नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बोर्ड एग्जाम्स पर बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है दोस्तों। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सभी राज्यों के बोर्ड एग्जाम हैं वो कैंसिल होंगे। इसको लेकर दोस्तों गुड न्यूज ये है छात्रों के लिए कि हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका भी लगा दी गई है 12th वाले स्टूडेंट ने, क्योंकि कई राज्यों ने दोस्तों CBSE की तरह 10वीं वाले स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है। तो 10वीं वालों को प्रमोट करने के बाद दोस्तों अब हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई है स्टूडेंट के द्वारा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। कोरोना का डर, CBSE की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। तो यहाँ पर दोस्तों CBSE बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षाओं को लेकर याचिका लगा दी गई है, और जिसमें हैशटैग है सेव बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट 2021। क्योंकि दोस्तों अगर CBSE 12th की भी परीक्षा रद्द, तो दोस्तों आपकी सभी परीक्षाएं रद्द होंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ सभी राज्य के बारे में, यूपी, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा के बारे में, कि आपकी जो परीक्षाओं को लेकर क्या अपडेट है दोस्तों, क्या आपकी परीक्षा रद्द होगी, इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का क्या कहना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इस पर बोर्ड से संबंधित पल पल की अपडेट है वो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर RBSC बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड के बारे में, फिर बात करूंगा MP UP बोर्ड के बारे में दोस्तों। तो राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं दोस्तों रद्द करने की मांग है स्टूडेंट की लगातार बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से CBSE की परीक्षा रद्द की गई है, उसी प्रकार अब राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने को मांग है बढ़ती जा रही है। 17 मई को फाइनल डिसीजन आएगा दोस्तों, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो 10वीं की परीक्षाएं हैं वो रद्द होंगी या फिर नहीं होंगी। 12th की भी परीक्षा दोस्तों आपकी रद्द हो सकती हैं, क्योंकि तो कुछ देर पहले बयान आया है राजस्थान बोर्ड की तरफ से कि आपकी जो परीक्षाएं हैं दोस्तों 12th की परीक्षाएं हैं वो जून के लास्ट में उनको लेकर फैसला हुआ, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो दोस्तों अगर परीक्षा ज़्यादा लेट होती है तो ऐसे में आगे क्या सत्र है वो बिगड़ जाएगा, स्टूडेंट 1 साल ख़राब हो जाएगी। तो इसको लेते हुए दोस्तों 12वीं को प्रमोट भी किया जा सकता है। और मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर MP बोर्ड की देख सकते हैं, CBSE बोर्ड दिल्ली ने यहाँ पर परीक्षा 10th की रद्द कर दी हैं। MP बोर्ड के में अगर देखेंगे दोस्तों तो आप भोपाल की तरफ से अपडेट है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री कई बार बयान दे चुके हैं, यानी कि 10वीं की परीक्षा दोस्तों आपकी नहीं होगी, इसको लेकर कई बार शिक्षा मंत्री ने बयान भी दिया है। अब दोस्तों आपकी 12वीं की परीक्षाओं को यहाँ पर कराने को लेकर 20 मई के बाद दोस्तों आदेश है वो जारी होगा, शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए जाएंगे कि आपकी जो 12वीं की परीक्षाओं को कब कराया जाएगा। हालांकि दोस्तों जिस तरह से कोरोना के हालात बने हैं उसको देखते हुए अभी MP में 12वीं की परीक्षाओं को कराने पर असमंजस है। प्रदेश भर में करीब 19 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यूपी बोर्ड में, तो यूपी बोर्ड में दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो यूपी बोर्ड से दोस्तों एग्जाम देते हैं, तो 56 लाख स्टूडेंट हैं दोस्तों, यानी कि 5.6 मिलियन, जिसमें कि 30 लाख आपके सिर्फ 10th के स्टूडेंट है। तो इसको प्रमोट करने को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पर दोस्तों निर्णय है, वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप पूरी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यूपी बोर्ड CBSE की तर्ज पर 10वीं की परीक्षा रद्द कर सकता है, यानी कि CBSE की तरह आपकी 10वीं की परीक्षा दोस्तों रद्द हो सकती हैं। इसको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा, अफसर इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा। वहीं 12वीं के स्टूडेंट की परीक्षा जून या जुलाई में कराने के निर्णय है। तो दोस्तों अभी 12th की परीक्षाएं तो आपकी जून से पहले कोई निर्णय नहीं आने वाला है, लेकिन 10th की परीक्षाओं को लेकर लगभग सभी राज्यों का निर्णय है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपकी जो CBSE की 12th की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रकोप है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, तो महाराष्ट्र में तो बिल्कुल भी परीक्षा नहीं कराई जाएंगी। और जो बाकी के राज्य हैं उनको लेकर भी डिसीजन आपका जल्दी आएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, सभी बोर्ड की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी भी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।